हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगी। तो प्लीज आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग प्रेस थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा काम है। और काफी दिन से प्रेस ना लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, हम लोग इस साल दिवाली की पूजा नहीं किए थे, तो मतलब पूजा करते हैं ना तो उसके एक दो दिन बाद ही हम लोग विसर्जन कर देते हैं, लेकिन इस साल पूजा नहीं हुआ। हमारे मतलब बड़े ससुर जी का डेथ हो गया था, तो हम लोग गाँव चले गए और आए ना तो नई मूर्ति भी हम मतलब सवा महीना तक पूजा नहीं करते, तो वो मूर्ति पड़ी ही थी। तो उसके बाद में जब हटाए तो फिर जैसे ही मतलब दो चार दिन, हाँ 8 दिन पूजा किए थे, तो जैसे ही मतलब बाहर रखे कि चलो विसर्जन कर देंगे और ध्यान से ही उतर गया। उसके बाद में फिर मेरे मतलब बगल में एक ससुर जी है ना, उनका भी डेथ हो गया, तो ऐसे ऐसे करके ना काफी दिन हो गया था। आज वो मौका आया है तो बोले चलो विसर्जन कर देते हैं। पहले जा रही हूँ, अगले साल की मूर्ति थी फ्रेंड्स लक्ष्मी माता की, तो करी है और नया वाला तो रख दिए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वही चल रहे हैं। और थोड़ा बहुत और कुछ काम है, मैं आप लोगों को किसी अन्य ब्लॉग में बताऊंगी क्या काम है। और तो मुझे लगा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लूँ और चलती हूँ। अगर कहीं यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक जगह है, मतलब वहाँ पे थोड़ी मतलब ना रोड है और थोड़े पेड़ पौधे मतलब ज्यादा है, तो उधर अगर होगा, अगर कोई नहीं होगा ना तो मैं रील्स बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। तो ये देखिए जो मेरा काम है ना, तो वो सब मैंने लिया हुआ है, तो आप लोग बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी। तो बच्चे मेरे भाग गए हैं और मैं भी देखिए लॉक वगैरह लगा दी हूँ गेट में, तो अब चल रही हूँ। और आज बहुत मतलब कड़क सी धूप हुई है, यहाँ का मौसम भी ऐसा ही है, मतलब कोई दिन ना इतना मतलब अचानक से ठंड आया, परसों तो इतना ज़्यादा ठंड थी, कुछ मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया मुझे। और आज तो मतलब मौसम कल भी ऐसे था, धूप तो धूप बहुत ज़्यादा था, और जब धूप होता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता है ना कि गर्मी फेल है, इतनी ज़्यादा कड़क सी धूप हुई है। तो मैं खाने में फ्रेंड्स आज छोला बनाई थी, छोला और पूरी सुबह सब लोग खाए नाश्ते में, और वही छोला था फ्रेंड्स, तो छोला थोड़ा बस गरम सा चावल बना दी ना, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग चावल खाए, मैं तो नहीं खाई, मेरा मन नहीं था, अभी भूख लगी ऐसा नहीं है, लेकिन मन नहीं हुआ, मैं बोली जान दो थोड़ा टाइम बाद खाएंगे। तो बच्चे मेरे, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने शोर मचाए हैं ये लोग को, ना चिड़ियाघर जाना था, और देखो सौर पहुँच गए हैं और इधर गार्गी भी है, गार्गी गाय को बुलाई है, गाय को लोग बुला के ना कब से रोटी दे दिए थे और अभी रोटी है भी नहीं शायद, जितनी भी गाय जाती है ना तो गर्गी सबको बुलाएगी, आह आह करती है। तो और सभी की तबीयत ना फ्रेश थोड़ी गड़बड़ चल रही है, सर्दी जुकाम खांसी यही मतलब मौसम ही ऐसा ही है। देखिए मेरी तुलसी बाद मैंने उखाड़ दिया क्योंकि सूख गई थी पूरी ना, तो अब देखूंगी ले आऊंगी आज तुलसी, आज लाऊंगी। वो जिस भाभी बोली थी ना तो सौर के स्कूल के बगल में है, तो वो उनका उनकी तुलसी ना एकदम जो होता है ना श्यामा तुलसी, एक रामा होती है श्यामा, श्यामा जो होती है ना वो काली काली सी होती है और रामा जो होती है थोड़ी सावन मतलब थोड़ी फेयर में होती है, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो वही वाला काली वाली थी एकदम, तो उनको होता है ना काली वाली तुलसी ही रखनी चाहिए। तो वही अब चलूँगी ले आऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना, गमला पूरा खाली खाली हो गया है। और बच्चे लोग का आज स्कूल भी मतलब कल भी छुट्टी था और आज भी छुट्टी, अब कल सैटरडे ही है फिर संडे को छुट्टी, मतलब 3-4 दिन कंटिन्यू हो गया, कल तो स्कूल रहेगा, स्कूल रहता है तो पढ़ाई होती ही है, और बच्चे लोग यहाँ घर में रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हलचल मचा है। कब से मतलब बोल रहे थे चलो हमको चिड़ियाघर चलना है, लेकिन मैं बोली नहीं मैं मुझे नहीं जाना है, तबीयत अच्छी नहीं है, चिड़ियाघर में क्या ना बहुत चलना पड़ता है उसमें गोल 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 घूमो, तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, तो इस वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया। अब दूसरी जगह जो पेंडिंग काम है ना वही करेंगे, एक इम्पोर्टेंट काम है वो करने जा रहे हैं, अगर हो जाएगा तो आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या काम है। और मुझे ना फ्रेंड्स इतना अंदाजा नहीं था ना मेरा, मतलब रेडी नहीं था, तो वही काम है एंडिंग पेंडिंग काम वही कराना है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ, देखो कहीं ना कहीं पानी हो गया, यहाँ पता नहीं क्यों आते ही चालू नहीं होता है, एक बार और आए थे खड़ा हो गया था, तो भैंस चल जाने दो, देखो भैंस जा रही तो बैठ जाओ, भैंस लोग जो चराते हैं ना बैठ जाते हैं, बहुत दूध देती है, कितनी बड़ी बड़ी है देखो, उसका थन देखो टपक रहा है दूध, अभी एक
स्पून टपका है ना, देखा वही गिर रहा है, देखो वही तो गिरा है। तो हम लोग तो इस तरह थोड़ा बाहर आए हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि पूजा का जो सामान था ना तो उसको हमको विसर्जन करना था, तो यहीं पे हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना पानी नहीं है, देखो यहाँ पे ना सब सूखा पड़ा है। वो भी आना चाहती है, मत तो आना इधर, वीडियो में नहीं आएगी। सर बोल रहे हैं गाय भी वीडियो में आना चाहती है, तो अभी चल रहे हैं फिर थोड़ा तब तक ना बाइक ही बंद पड़ गई, यहीं पे डालते हैं। देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो सारा पूजा का सामान सब सूखा हुआ है। तो चलिए तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं तुलसी का पौधा मैं ले आई और देखिए कितना प्यारा सा तुलसी है ना, तो मैंने लगा भी दिया। और अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, क्योंकि ना ताकि सूखे ना थोड़ा सा पानी की कमी, गमले को भी रगड़ रगड़ के क्योंकि बहुत दिन से नहा नहीं है, क्योंकि तुलसी काफी दिन से सूख गई थी। आज मैं सोच के ही गई थी कि मैं तुलसी का पौधा ला ही लूंगी, तो मुझे कहीं दिख गया तो मैं ले आई, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्रेंड्स ना तुलसी खरीदते नहीं है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। साफ हो गए, एक बार तो खरीदे थे ना, एक बार तो मामा पैसा दिए थे ना। बंद।